जनपद प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ने किया 4 सेटों में नामांकन। वहीं कार्यालय से कचहरी तक सैकड़ों बुलेट मोटरसाइकिल के जुलूस के साथ पहुंचे कचहरी गेट, साथ में रहे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। घोषित तो किया गया जिसका लखनऊ की जनता में बहुत उत्साह है और जोश है वोट करने के लिए समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देने, जिसका हम उनके इस जोश और उनके स्वागत का हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। कल लखनऊ की 4 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन श्रीमती पूनम सिन्हा जी द्वारा किया गया है। पूरा विधानसभा क्षेत्र में जो उद्घाटन किया गया, वहाँ के प्रभारी अनुराग भदौरिया साहब और विधानसभा के अध्यक्ष सरवर जी और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित वरिष्ठ साथीगण मौजूद थे, बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी। उसी तरह से कैंट में, उसी तरह से पश्चिम में और उत्तर विधानसभा में। अदा जी, स्थान भी बता दें ताकि जो है आपके कार्यकर्ताओं को पता लग सके कि आपके जहाँ पर चुनाव कार्यालय खोला है कहाँ कहाँ पर लोकेशन है। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा कॉम्प्लेक्स है, मुंशी पुलिया से बाई तरफ, माननीय गोमती यादव विधायक जी का, उसमें वहाँ पर खोला गया है जो पहले भी वहाँ पर था। मध्य विधानसभा क्षेत्र का कार रविदास मल्होत्रा जी का जो OCR में ऑफिस है वहाँ पर से उसका कार चलेगा। कैंट विधानसभा क्षेत्र का ठाकुर ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग चारबाग स्टेशन के पास है, वहाँ पर खोला गया है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का कार्यालय कैंपल रोड में, जहाँ पर माननीय रेहान साहब विधायक जी का कार्यालय है, उसी को चुनाव कार्यालय बनाया गया है। उत्तर विधानसभा में जो पीली कोठी है उसमें खोला गया है। इस तरह से हमारे 500 विधानसभा के कार्यालय। अदर जी, कल चुनाव कार्यालय की ओपनिंग के साथ साथ कहाँ कहाँ जनसंपर्क और किससे किससे मुलाकात की गई? चुनाव कार्यालय के साथ साथ स्थानीय लोगों ने, जैसे माननीय विनोद बिहारी वर्मा साहब के आवास पर उनसे मुलाकात का कार्यक्रम था, मौलाना कल्बे जवाद साहब के यहाँ कार्यक्रम था, इसी तरह से और भी अन्य क्षेत्रों में लोगों ने कार्यक्रम लिए थे स्थानीय नागरिकों या समितियों द्वारा, वहाँ वहाँ पर वो लोग गए। आगे की पार्टी की रणनीति तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या प्रचार चुनाव प्रचार होंगे? कल हमारे केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन श्रीमती पूनम सिन्हा जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता 15 कैसरबाग लखनऊ कार्यालय में उसका उद्घाटन करेंगे, और जिसमें हमारे लखनऊ के प्रभारी आनंद भदौरिया जी, जिनके द्वारा जो निर्देशित किया जा रहा पूरे शहर में, उस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कल कितने बजे आपका कार्यक्रम? कल 11 बजे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। सभी TV1 इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, प्रतापगढ़। आम लोगों की मानसिकता है कि समस्याएं ना दूर हो पाने की वजह से वह सिस्टम को कोसते हैं और वह लोग मतदान का बहिष्कार कर देते हैं। वह भूल जाते हैं कि उनके पास मतदान की जो ताकत है उससे वे जिसे चाहे चुनकर ला सकते हैं। गोंडा जनपद तरबगंज तहसील अंतर्गत विकासखंड नवाबगंज में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर स्काउट गाइड के बच्चों ने लोगों से मतदान करने की जागरूकता फैलाई। वहीं जागरूकता का संदेश दिया कि सबसे पहले अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। सभी से अपील की है कि अपने मताधिकार की ताकत को पहचान कर सही उम्मीदवार को चुनकर उनको वोट दें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। यूपी के कन्नौज जिले में आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा पार्टी कार्यालय पहुंचकर सपा बसपा नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के दौरान उन्होंने 29 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कहा कि ऐसे लोग देश के कानून व संविधान को नहीं मानते, जनता ऐसे लोगों को नकार देती है। उन्होंने पहली बार दूसरे चरण में हुए मतदान को लेकर कहा कि दोनों चरणों में बीजेपी कहीं भी नहीं दिखी, तीसरे व चौथे में भी बीजेपी का यही हाल होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर सपा ने विकास किया है तो उसको वोट देना, अगर नहीं किया तो किसी और को वोट देना। वही जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। जनता ने 5 साल की केंद्र सरकार व प्रदेश की सरकार को 2 साल मौका दिया, लेकिन दोनों सरकारों ने जनता की उम्मीदों के बदले उनको धोखा दिया है। वही भाजपा की सरकार ने ऐसी कि इन्होंने बच्चों का दूध छीना, उनका फल छीना है। दोनों सरकार के कामकाज का जनता चुनाव में आकलन करेगी तो पाएगी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी,
बेरोजगारी, आतंकवाद बढ़ा है, वही किसानों, नौजवानों, महिलाओं सहित देश के हर वर्ग को धोखा दिया इस सरकार ने। कन्नौज के विकास पर बोलते हुए कहा कि भाजपा वाले क्यों नहीं बताते कि कन्नौज में कहां विकास किया है। कन्नौज में किसानों के लिए बनने वाली मंडी का काम रोक दिया, इत्र को बढ़ावा देने के लिए इत्र पार्क का भी काम रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इसलिए नाराजगी है कि 5 साल का जनता ने मौका दिया, आज जनता को निराश कर दिया, खासकर किसान, व्यापारी, छोटे दुकानदार, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, हर वर्ग के लोग दुखी हो गए। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके लिए इन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया हो जिससे खुशहाली आई हो। 5 साल गुजार दिए दिल्ली की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार के भी 2 साल गुजर गए, और दोनों सरकारों का हिसाब किताब लगाएगी जनता, आकलन करेगी तो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जनता को दुख ज़्यादा पहुंचाया है। इसलिए जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ मतदान कर रही है। जिस तरह आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ बयान दिया, तो पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगा कहाँ गई, दूसरे चरण में भी यही स्थिति है, तीसरा चरण भी ऐसा ही दिखेगा, और चौथे में आपका चुनाव है। हम तो आपसे कहते हैं चौथे चरण में जहाँ कन्नौज का चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। काम जो चल रहा था उसको रोक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मंडियाँ रोक दी, मंडी से नुकसान किसान का है, आलू 1 किलो खरीदा हो तो बता दें, सरसों बर्बाद हो गई, मक्के वाले दुखी हो गए। कौन सी सुविधा दी है कन्नौज में जो जनता इन्हें वोट दे दे? समाजवादी पेंशन छीन ली, बच्चों का दूध छीन लिया, बताओ ऐसी सरकार है, बच्चों का दूध छीन लिया, बच्चों को हफ्ते में 1 दिन फल मिलते थे, फल छीन लिए, गरीब माताएं बहनें थी उन्हें 500 रुपया मिलता था, वो छीन लिया, तो कैसी सरकार है? इसलिए जनता इनसे नाराज है। ये तो अच्छा है, कुछ लाएंगे आपके लिए कुछ झोले में रख करके, 5 साल आप भी इंतजार करते रहे, कुछ मिला आपको? कम से कम 5 साल कुछ नहीं दिया, शायद आखिरी में कुछ दे जाए, इसलिए उम्मीद रखिए और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, लेकिन सावधान रहे उनकी उम्मीद पर, उनकी उम्मीद धोखे के अलावा कुछ नहीं है। साध्वी प्रज्ञा के बयान को क्या लगे? देखिए, साध्वी प्रज्ञा या जो भी इस तरह के लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, देश के कानून को नहीं मानते हैं, और जो संविधान और देश के कानून को नहीं मानता है उसे अधिकार नहीं है कि जनता उसका समर्थन में दे। दोनों चरणों में चुनाव में कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है आपको? सबसे ज़्यादा, और तीसरे चौथे में उससे ज़्यादा। इसलिए आपसे हम अपील करेंगे, अगर आपको लगता है कि काम समाजवादियों ने किया तो आप भी वोट समाजवादी पार्टी को डालना, और आपको नहीं लगता है काम किया तो आप जिसको चाहो उसको दे देना। समाजवादी ने कम से कम काम किया, इसलिए आप लोग तो मतदान करना और वोट डालना समाजवादियों को। हम लोग तो कुछ छुपा नहीं रहा, आप लोग तो पुराने, तुम डालोगे कि नहीं डालोगे? तो डालते हर साल, हमारा चेक कर लूंगा। किस पार्टी को दे रहे हो भैया? सन 2000 से हैं, आपसे ज्यादा तो नहीं कोई जानता होगा। सन 2000 ए, तुम भी मदद करना। अच्छा, ये काम तो काम नहीं बता रहे अपना भाजपा वाले? हमने वो बता दिया, मैसेज हमने पहुंचा दिया। क्या है, क्या बता दिया? TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने अपनी जनसभा में पूर्व विदेश मंत्री के ऊपर उठाए थे सवाल। उन्होंने कहा कि आखिर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बाटला हाउस से क्या रिश्ते थे, और भी इस मामले पर पूछे थे सवाल। सलमान खुर्शीद ने बाटला हाउस में आतंकियों के संबंध के बारे में पूछने पर बिगाड़े अपने बोल। रिश्ते में सलमान खुर्शीद ने सीएम योगी का बताया अपने आप को बाप, और योगी जी को बताया नकारा। लोग कहेंगे बेटा बड़ा नकारा निकला। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बाटला हाउस पर जब चाहे तब कर ले मुझसे बात, अगर हो सके तो किसी गौशाला में बात करें, तब पता चलेगा कि उनके साथ हैं या मेरे साथ। वहीं गौ माता को पूरा खाना भी नहीं पहुंचता, किसी और से चोरी करें तब ठीक है, लेकिन जिसको माँ कहा उससे ही चोरी की। योगी लड़ाई किससे मांगते हैं? मुझे इस बात की खुशी है कि योगी लड़ाई मुझसे मांगते हैं, और अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा है तो मैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस पर बात
जब चाहे जहाँ चाहे वो मुझसे आकर बहस कर लें योगी जी, और अगर हो सके तो किसी गौशाला में कर लें ताकि ये पता लगे कि गाय उनके साथ है या मेरे साथ है। उनसे कहिए और योगी जी से कहिए कि रिश्ते में मैं उनका बाप लगता हूँ, योगी जी का। अब वो उसके लिए क्या कहेंगे, क्या बड़ा नाकारा निकला, ये कहेंगे आप कि बेटा बड़ा नाकारा निकला। गौ माता को खाना भी नहीं पूरा पहुंचाता, किसी और से चोरी करें तो चोरी करें समझ में आता है, लेकिन जिसको माँ कहा उससे चोरी किए, उससे चोरी किया। और देखिए चोरी तो कृष्ण गोपाल भी करते थे लेकिन माखन की करते थे, मैं नहीं माखन खायो माँ। और ये क्या करते हैं, ये चारे की चोरी करते हैं, और उससे जो आपके आपने ही रिपोर्ट किया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट फरुखाबाद। शबे बारात को गुनाह से तौबा करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस रात में सच्चे मन से की गई तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है, वहीं मन की मुरादों को भी अल्लाह पाक पूरी करता है। वहीं जिला मुख्यालय सहित पूरी दुनिया भर में शबे बारात परंपरागत रूप से मनाई गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों और मस्जिदों के अलावा कब्रिस्तान तथा शहीदों की मजारों पर भी चिराग अगरबत्ती तथा खास पकवान तैयार किए गए। वहीं बच्चों ने आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। कुरान खानी दुआ खानी के सभी मस्जिदों में विशेष नमाज और अमाल के आयोजन हुए। क्रम में लोरपुर के मोहल्ला इस्लामाबाद के निवासियों ने जश्न ईदी मिलादुन नबी का आयोजन किया, जिसमें नात खानी के लिए शायरे इस्मान हाकिम शादान अकबरपुरी ने खूब झूम कर नाचे, साथ ही नाते पाक पढ़ी तथा तकरीर को संबोधित करते हुए मौलाना जाहिद सिकंदरापुरी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वह अपनी जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारें, और यह शबे बारात की रात उन रातों में से एक रात है जो कि अल्लाह पाक ने अपनी गलतियों को माफ करवा सकते हैं। जश्न ईदी मिलादुन नबी का समापन सलातो सलाम से किया गया तथा वहीं एक ऐसे बुजुर्ग गाने दिन का अस्ताने स्थित है जो अस्ताने औलिया हजरत सैयद शाह मोहम्मद उर्फ बसावन बाबा के नाम से जाना जाता है। वे अस्ताने औलिया सैयद शाह मोहम्मद उर्फ बसावन बाबा के मजार पर शबी बारात की रात में आए हुए मेहमान कदम बोशी लेते हैं। यहाँ पर सभी की मुरादें पूरी होती हैं। अस्ताने औलिया के खादिम इबाद अली लगभग 30 वर्षों से मजार की खिदमत में लगे हैं। इस मौके पर रियाज अली, अजमत अली, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद इसराइल, नबी सरवर, लच्छी जुबे, शमसुद्दीन, नसीम असलम आदि लोगों का जनसैलाब उमड़ा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर। कन्नौज में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जनपद में चलाया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की विभिन्न टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के गांव, शहरों, स्कूल आदि में जाकर आम जनमानस को आग बचाव से उपायों के बारे में जागरूक किया तथा यदि किसी कारणवश घर के किचन आदि में आग लग जाती है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि के बारे में जागरूक किया गया व प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान स्वैच्छिक रूप से प्रशिक्षण लेने वाले कुल 31 नवयुवकों को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 22 अप्रैल को पुलिस कार्यालय में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक सहित फायर ब्रिगेड की टीम के अधिकारी कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अजय तिवारी की रिपोर्ट, कन्नौज।